नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गिरधर गोपाल शर्मा, पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज वृश्चिक राशि के जातकों का जुलाई माह का क्या फल होगा, इसका सामान्य अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वृश्चिक लग्न के जातक अत्यंत भावुक होते हैं। आप वृश्चिक लग्न के जातक जीवन में उच्चताओं को अवश्य प्राप्त करते हैं। यदि बहुत शांत प्रकृति के ये होते हैं, यदि कोई इनको छेड़ता है तो उस शत्रु का यह उसको छोड़ते नहीं, उसका नाश कर देते हैं। वृश्चिक लग्न के जातक सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी जॉब यह अवश्य प्राप्त करते हैं। यदि व्यापार में है तो व्यापार में उच्चताएं प्राप्त करते हैं। यह सेना में अधिकारी होते हैं, यह सशस्त्र बलों में अधिकारी होते हैं। भूमि भवन वाहन और एनर्जेटिक होते हैं, भूमि भवन वाहन भी इनको प्राप्त होता है। तो ऐसे वृश्चिक राशि और लग्न वाले जातकों का जुलाई माह में लग्नेश मंगल अपने मित्र राशि में संचरण करेंगे तो आपको सरकार से बहुत लाभ प्राप्त होगा, आपको अपने अधिकारियों से बहुत लाभ प्राप्त होगा और आपको प्रमोशन आदि की प्राप्त होगी, क्योंकि लग्नेश स्वयं दशम भाव में जब जाते हैं तो मान सम्मान, आपकी इष्ट सिद्धि, जो भी कार्य सिद्धि है उनमें बहुत सफलता आपको प्रदान होती है। और एक अच्छी बात यह है कि बृहस्पति इस मंगल को देख भी रहे हैं। लग्नेश और सप्तमेश मंगल और शुक्र की यह युति है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप आपको परिणति को प्राप्त होगी, माने उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, समाज से उस आपके रिलेशन को मान्यता प्राप्त होगी। और उसमें यदि आप विवाह के प्रस्ताव आपके पास आ रहे हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी विवाह की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि बृहस्पति से यह योग दृष्ट हो रहा है। यहां पर अंतिम सप्ताह में बुध भी आ जाएंगे तो बुध जो है एकादशेश और अष्टमेश है तो थोड़ा सा इस योग को कम करेंगे, किंतु फिर भी शुभ ग्रह है और सुख भाव को देख रहे हैं, चतुर्भाव पर इन दोनों की दृष्टि आ रही है, शनिवार बैठे ही हैं, तो भूमि भवन वाहन आदि की भी उपलब्धियां आपको ये बहुत अच्छे प्रकार से कराएंगे। और जो चतुर्भाव का भूमि भवन वाहन का जो कारक है मंगल, जो आपका लग्नेश भी है, वह सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है और उसकी आठवीं दृष्टि संतति भाव पर आ रही है, तो संतान पक्ष से थोड़ी सी चिंताएं आपको होंगी। आप अपने संतति का ध्यान रखें, क्योंकि वो संतति जो पंचमेश है वे भी षष्ठम भाव में चले गए हैं, तो उनका बड़ा ध्यान रखें, वो कोई गलत आदतों में या गलत संगति में न पड़ जाएं, तो उनका विशेष ध्यान रखें। यह बृहस्पति दशम भाव को देख रहे हैं और व्यय भाव को देख रहे हैं और धन भाव को देख रहे हैं, तो यदि धन के कारक, क्योंकि ये अर्थत त्रिकोण है, अर्थत त्रिकोण की स्थिति इतनी मजबूत है इस समय जुलाई माह में वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो अर्थ के बहुत नए नए आपके साधन बनेंगे, अर्थ धन की प्राप्ति आपको होगी, आपके परिवार में उत्सव बनेंगे, क्योंकि आपके कुटुंब भाव पर भी उनकी दृष्टि है बृहस्पति की। और यदि आप ज्योतिष आदि का कार्य करते हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, यदि आप वैद्यक हैं, तो आपके द्वारा जो इस समय इलाज किया जाएगा, जो आपके रोगी होंगे वो अपने रोगों से मुक्त होंगे। वाणी पर, वाणी भाव पर आपकी दृष्टि है बृहस्पति की, तो आपकी वाणी बहुत शुभ बोलेगी। यदि ज्योतिष का कार्य आप करते हैं तो आपके प्रोडक्शन बहुत सफलता को प्राप्त होंगे, किंतु यह बृहस्पति आप ध्यान रखें कि शुगर को भी यह बढ़ा देते हैं, तो उस अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो इन समय में इस महीने बृहस्पति या पूरे वर्ष पर रहेंगे तो बहुत ध्यान रखें, उससे कोई और अन्य बीमारियां उत्पन्न ना हो जाए। सूर्य और उसकी स्थिति अष्टम भाव में स्थित सूर्य और फिर वो एकादश में चले जाएंगे, नवम में चले जाएंगे, आपके पिता के कारक में चले जाएंगे 16 जुलाई के आसपास, तब आपके पिता को आपसे लाभ होगा और आपको अपने पिता से लाभ होगा। आपके कार्यक्षेत्र में भी, आपके भाग्य में भी बहुत वृद्धि होगी। साथ ही सूर्य चूंकि कर्क राशि में होंगे तो यात्राएं आपकी बहुत अच्छी होंगी। यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो लंबी लंबी आप यात्राएं करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। केतु द्वादश स्थान में बृहस्पति से दृष्ट हैं,
तो भगवान गणपति के मंत्रों का पाठ करें तो ये केतु के नेगेटिव प्रभाव आपके मानसिकता पर आपके उस पर न पड़ेंगे तो आप इसके शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार यह वृश्चिक राशि के जातकों का जुलाई माह व्यतीत होगा जिसमें भी 6, 7, 10, 11, 15, 16, 25, 26 इस दिन थोड़ा अपना व्यवहार किसी से मिलने जा रहे हैं तो संभल कर करें, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें। 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 बहुत शुभ राशियां हैं। तो इस प्रकार यह आपका जुलाई माह व्यतीत होगा। जय जय श्री राधे।